नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चाह जो फाइव माइक्रोकुलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज विल बी और हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं बहुत ही सिंपल सवाल है डायरेक्ट फॉमूला यूज करके हमें वहाँ पे वैल्यू रखनी है हमें बताना है कि एक पॉइंट चार्ज चाहिए फाइव माइक्रोकुलम का उससे अस्सी सेंटीमीटर की दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सो यहाँ पे आपका चार्ज रखा हुआ है क्यूँ इसकी वैल्यू है फाइव माइक्रोकुलम फाइव माइक्रोकुलम और यहाँ पे अपना कोई पॉइंट पी है जिसकी दूरी 80 सेंटीमीटर है यहाँ पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ना ये।, ये बात अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस जगह पे हम लिख सकते हैं के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ना हमें यहाँ पे इस फॉमूले में उस डेटा डालना है और हमारा आंसर आ जाएगा सो हम यहाँ कह सकते हैं ई e, नेट uh, इसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू के यानी कि टेन इंटू विल बी इक्वल टू नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन मल्टीप्लाइड बाई क्यू क्यू हमें दिया हुआ है फाइव माइक्रोकोलम फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई आर आर है एट्टी इंटू टेन टू द माइनस टू का स्क्वायर बस हमें यहाँ वैल्यू रखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा सो so, इसको कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी नाइन इंटू फाइव यानी कि फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई एट स्क्वायर सिक्सटी फोर मल्टीप्लाइड बाई टेन की पावर देखें तो सिक्सटी फोर इंटू टेन टू द टू Uh, ये मल्टीप्लाइड बाय टेन की पावर अगर देखेंगे सो दिस विल बी नाइन और ये आपका बचा uh, इसके साथ साथ टेन टू दावर माइनस फोर इसका भी आएगा नाइन और सिक्स ये बचा टेन टू दी पावर थ्री अब नीचे देखेंगे तो टेन टू दी पावर ये माइनस टू हुआ एड ओके टेन टू दी पावर फाइव बन जाएगा सो दिस विल बी फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाय सिक्सटी फोर मल्टीप्लाइड बाई टेन टू दी पावर फोर नहीं टेन टू दी पावर फाइव है ना अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे 45 फाइव बाई सिक्सटी फोर ये अप्रॉक्सीमेटली सेवन के आसपास आता है तो सेवन इंटू ट्वेंट पर फोर न्यूटन पर कोलम ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी एंड हेंस वी कैन से ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर